हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एक रनिंग बोर्ड में लगे हुए बोर्ड में किस तरह से आप स्विच सॉकेट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसका स्विच ख़राब हो गया दोस्तों, और देखिए सॉकेट भी इसका जल चुका है। ये बोर्ड रनिंग है, चल रहा है, इसके अंदर करंट आ रहा है, तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप सावधानी से आप इसके स्विच और सॉकेट दोनों चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सावधानी के संग आपको इस वीडियो को देखना है और बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। ये दोस्तों एक रनिंग बोर्ड है, स्टार्टिंग है, तो हम इसमें करना ये है कि इसमें दोनों पेज जो लगे हैं, सबसे पहले हम ये पेज खोलेंगे। और दोस्तों एक बात, और अगर आप कहीं से लाइट बंद कर सकते हैं, लगा हुआ है ये घर पे, तो अगर बंद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बंद करने की व्यवस्था नहीं है तो बहुत ही सावधानी से आप इस बोर्ड के स्विच सॉकेट चेंज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप सावधानी से स्विच सॉकेट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने बोर्ड खोल लिया है। ये देखिए सॉकेट हमारा टूट चुका है, जल भी गया है, टूट भी चुका है, और स्विच भी हमारा जल चुका है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए न्यूट्रल है और ये फेस है, दिखा दूँ, उसके अंदर करंट आ रहा होगा। ये देखिए करंट आ रहा है इसके अंदर, ये देखिए दोस्तों फेस आ रहा है इसमें। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ही सावधानी से हमें ये स्विच सॉकेट चेंज करना है। तो हम दोस्तों सबसे पहले करेंगे कि हम जो फेस आ रहा है इसमें, सबसे पहले बहुत ही सावधानी से हम ये फेस वाला तार को खोल के और इसको निकाल के अलग कर देंगे। फेस आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको अलग कर देंगे बहुत आराम से खोल के। ये देखिए हमने फेस अलग कर दिया, अब वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को भी आराम से खोल लेंगे। मानो अगर जल गया है ज़्यादा, नहीं खुल पा रहा है, तो हम इसको काट देंगे। कभी कभी ऐसा होता है जलने के बाद वेल्ड सा हो जाता है, खुल नहीं पाता है, फिर तो हम इसको बहुत आराम से काट देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए न्यूट्रल फेस दोनों हमने अलग कर दिया, और हम इस बोर्ड के स्विच और सॉकेट बहुत ही आराम से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए ये स्विच है, 6 एम्पीयर का स्विच है और 6 एम्पीयर का सॉकेट। अब हम इसको बहुत ही आराम से चेंज कर लेंगे, बहुत आराम से खोल के चेंज कर लेंगे। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप ऐसे रनिंग बोर्ड में रनिंग बोर्ड को तैयार करें, मतलब सॉकेट से चेंज करें या स्विच चेंज करें, सॉकेट चेंज करें, तो बहुत ही सावधानी से कोशिश ये करें कि लाइन पूरी बंद हो जाए, उसके बाद चेंज करें। ये देखिए, ये हमने सॉकेट नया डालना है इसमें। अब देखिए हम स्विच चेंज करेंगे, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अच्छे स्विच सॉकेट लगाएं बोर्ड में। कभी भी किसी भी तरह का बोर्ड बनाएं तो उसमें अच्छे तरह के स्विच सॉकेट लगाएं। इससे होता यह है कि स्विच सॉकेट लगाने से और अच्छा वायर लगाने से ना स्विच सॉकेट जलते हैं ना वायर जलता है। ये देखिए दोनों सॉकेट हमने चेंज कर लिए। अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट थे, फेस
जो सुच से फेस काटते हैं तो ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट के सॉकेट को देते हैं, वो हम दे देते हैं, कनेक्शन इसका यहीं पर ही कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से आप चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं आपको। देखिए ठीक है, स्विच से फेस काट के हमने सॉकेट दे दिया। अब हम ये नीचे वाले पॉइंट पे इसके फेस देंगे और उस सॉकेट पे न्यूट्रल। ये देखिए दोस्तों अभी फेस जो आ रहा है हम ये देखिए फेस आ रहा है, ठीक है ये फेस आ रहा है। अब हम ये स्विच पे दे देंगे, लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखें बहुत ही सावधानी से। बहुत ही सावधानी से देखिए हमने स्विच में फेस कर दिया है, ठीक ये आ रहा है फेस, ठीक ऊपर आ सकते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं, अब नहीं आएगा, ठीक है। अब हम जो न्यूट्रल है न्यूट्रल इसको हम छील लेते हैं, और ये हम सॉकेट पे कस देंगे। ये न्यूट्रल हम सॉकेट में कस देंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप जब भी सॉकेट चेंज करेंगे तो बहुत ही सावधानी से चेंज करेंगे, और हो सके तो आप प्लीज़ लाइन से लाइट को बंद कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक ये हम इसे बोर्ड को कस देते हैं। जिस तरह से हमने दोनों पेच इसके खोले थे हम दोनों पेच लगा देंगे। ठीक है दोस्तों ये देखिए बोर्ड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ये हम चेक करके बताएं। देखिए ये बल्ब जल रहा है इसमें, ठीक है ये देखिए ऑन ऑफ भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आ गई समझाई, प्लीज़ लाइक और शेयर करिए दबा के। और दोस्तों जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।